माफी चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से रोक के परेशान कर रहा हूं। लेकिन मुंबई के 4 करोड़ लोगों को बचाने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। आपकी कार की बैटरी से मुझे अपने आप को चार्ज करना है, मुझे पावर चाहिए। एक बार फिर से आपसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि अब आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। थैंक यू। अब मैं मिसाइल की लोकेशन को इजीली ट्रेस कर सकता हूं। वो रहे, अब मुझे इस मिसाइल को रोकना होगा। हो सकता है इसमें ह्यूमन डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं है। मुंबई के 4 करोड़ बेगुनाह लोगों की जान बचानी है, ह्यूमैन के लिए वो ज्यादा जरूरी है, वो ह्यूमैन का फर्ज है। खत्म खत्म खत्म। बस अब थोड़ी ही देर में मुंबई का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा और पूरी दुनिया अपनी आंखों से ये तमाशा देखेगी। अरे बंद कर सपने देखना, सामने देख क्या हो रहा है। इस यमन के होते हुए लगता है मुंबई को तबाह करना आसान नहीं होगा। मिस्टर एक्स ने धमाका मिसाइल लॉन्च कर दिया है और धमाका मिसाइल मुंबई की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर आज मुंबई को कोई बचा सकता है तो वो है ह्यूमैन। मुंबई 500 किलोमीटर, मिसाइल की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुझे मेरी स्पीड बढ़ानी होगी, 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ना होगा। वो देखे योमैन मिसाइल का पीछा करते हुए, लेकिन मिसाइल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। मिसाइल की स्पीड बढ़ाना पड़े, वरना ह्यूमैन को मिसाइल के पास पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। क्या पास बढ़े। शायद मिसाइल की स्पीड को मैच कर पाना हमारे ह्यूमैन के लिए मुश्किल हो रहा है। Thank you.
मुझे मेरी रफ्तार को और भी बढ़ाना होगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है बूस्टर। लेकिन बूस्टर का उपयोग करने से मेरी एनर्जी खत्म होने लगेगी। 30 सेकंड से ज्यादा मैं अपनी इस एनर्जी को यूज नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब इस पावर का इस्तेमाल मुझे सही समय और सही जगह पर करना होगा। सही समय है पावर बूस्टर ऑन करने का। पावर बूस्टर ऑन। ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरी वजह से आज यारो डिस्ट्रॉय हो गया। पानी में जाते ही उसका सिस्टम क्रैश हो गया होगा। ये मुझसे क्या हो गया? अच्छा हुआ मैंने अपने सिस्टम का वाटरप्रूफ मोड ऑन किया। नहीं करता तो शॉर्ट सर्किट हो जाता। ये काम तो हुआ, लेकिन अभी और भी जरूरी काम बाकी है। कमाल का कमाल, अब तो मुंबई से दूर, बहुत दूर आ गया। अब तक तो मुंबई जल के राख हो चुकी हो, लेकिन इससे कमाल को अब तो मिस्टर एक्स के पैसों से ऐश करूंगा। जैन सर, यह है मिसाइल चोर प्रोफेसर अग्रवाल, बेकसूर है। इसका मतलब मैजिशियन कमाल का मिसाइल चोरों से कुछ संबंध है। अग्रवाल वही करेगा जो मैं। प्रोफेसर तुम ये पहले कर चुके हो। पहले अपना डाटा निकालो, डाटा निकालो, डाटा निकालो। यस यस। अग्रवाल, वी आर वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप तो अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे। Thank you.
तेरा बॉस कहाँ है? मिस्टर एक्स। कब कहाँ होता है, किसको पता होता है? जिसे भी काम कराना होता है वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है और सारी डीलिंग फोन पर होती है। ये ठीक कह रहे हैं, मिस्टर एक्स बहुत चाहते हैं, उसको ढूंढना नामुमकिन है, लेकिन हाँ, ह्यूमन से बचकर वो नहीं जा सकता। जय हिंद। जय। ह्यूमन। ह्यूमन। ह्यूमन, तुमने आज सिर्फ मुंबई को ही नहीं बचाया है, तुमने देश की शान बचाई है और मेरी जान भी। मिस्टर अग्रवाल, आप एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं और एक बहुत अच्छे फादर। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार मिसाइल चोरी का असली अपराधी जादूगर कमाल पकड़ा गया है। ह्यूमैन ने ही उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि ह्यूमैन ने ही जाने माने साइंटिस्ट प्रोफेसर अग्रवाल की बेगुनाही भी साबित कर दी है। क्या? देखा शिमला मिर्ची, सांच को आँच नहीं, मेरा कद्दू सच्चा था, बेकसूर था। आ रहा है ना वापिस? मम्मी जी, आप कमाल करती हैं। आपका बेटा तो आके आ रहा है घर, लेकिन मेरे बेटे का क्या? अरे यारो का कुछ पता नहीं है कहाँ है। आपको यारो की बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही? मम्मी, अमर, यारो, दादी। अरे आ गया मेरे बेटे। मम्मी जी एक मिनट, लाड बाद में कर लो। यारो के बच्चे कहाँ चला गया था यारो, और इतना टाइम लगा के कोई घर वापस आता है? दादी ने मुझे सब्जी लेने भेजा था, अच्छी अच्छी सब्जी छांटने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अगर मान लीजिए गंदी सब्जी लाता तो आप ही डांटती की। कड़ा टमाटर है। कोई बात नहीं यारो, लेकिन कर करके अपनी मम्मी से प्लीज आज एक प्रॉमिस कर, आज के बाद जब भी तू घर से बाहर जाएगा ना, तू रह रहे कि मेरे टच में रहेगा, प्लीज। हाँ मम्मी, बिल्कुल आपके टच में रहूंगा। यारो, बहुत बड़ी गोची हुई है बड़े। अब हम कैसे दुनिया पे राज करेंगे, कैसे खड़ा करेंगे अपने क्राइम का साम्राज्य? छोटे छोटे, तू बड़ा उतावला है, बड़ा काम करने के लिए हिम्मत भी बड़ी चाहिए और टाइम भी। मैं जानता हूं जादूगर कमाल कोई भी कमाल नहीं दिखा पाया, लेकिन मिस्टर रेक्स के शैतानी दिमाग में अभी भी बहुत से शैतानी आइडियाज पड़े हुए हैं। तो फिर इंतजार किस बात का बड़े? लोग मरेंगे तो ही डरेंगे, पर बात कर दो मुंबई शहर को। जरूर, ये काम तो अभी शुरू होना चाहिए। P235 रिपोर्टिंग मिस्टर एक्स। मैं बहुत उदास हूँ P235, क्योंकि तुमने अब तक ज़पाटा ड्रग नहीं बनाया है। माफी चाहता हूँ मिस्टर एक्स, थोड़ी देरी हो गई, लेकिन आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ज़पाटा ड्रग तैयार है और उसका एंटीडोट भी तैयार है। ये न्यूज सुनाकर तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। ज़पाटा ड्रग का इस्तेमाल मुंबई के लोगों पर शुरू करो। ज़पाटा ड्रग के पहले शिकार हो गए मुंबई के डॉक्टर। जब डॉक्टर ही शिकार बन जाएंगे तो आम लोगों का इलाज करने वाला कोई नहीं बचेगा। P235, तुम इमीडिएटली M365 को कॉन्टेक्ट करो, वो तुम्हें बाकी का काम समझा देगा। यस सर, समझ गया। पढ़े, ये तो समझ में आ गया कि ज़पाटा ड्रग तैयार है और सबसे पहले डॉक्टरों को अपना शिकार बनाएगा, लेकिन ज़पाटा ड्रग से एग्जैक्टली होगा क्या ये तो बता। बहुत कुछ करेगा ये ड्रग छोटे, लोगों के दिलों में डर पैदा करेगा, मुंबई को बर्बाद करेगा और हमें क्राइम की दुनिया का बादशाह बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये माला माल करेगा, माला माल, बहुत सारा पैसा आएगा। थैंक यू बच्चों, एंजॉय द पार्टी। हेलो हेलो, नाइस फॉर कमिंग। अरे वाह, धन्यवाद। अरे चतुर भाई तू। अरे यार बहुत अच्छा किया तू आ गया यार। यार ये लो गिफ्ट। अब भाई जन्मदिन मुबारक हो डॉक्टर माथुर, हैप्पी बर्थडे। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बता इसमें कुछ है भैया, खाली बचपन की तरह?
यार कमाल हो यार, अरे हमारा नाम चतुर्वेदी है भैया, इसमें गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अच्छा एक बात बता, बोलो। तेरे लिए मैं डॉक्टर माथुर कब से हो गया? हम तो बचपन के दोस्त हैं ना, तेरे लिए तो मैं माथुर ही हूँ और माथुर ही रहूंगा। अरे वो तो है, अरे क्या है ना, आज तेरा ठो है इसलिए हमने तुझे डॉक्टर कह दिया। अरे बाकी तो तू मेरे लिए ना वही शरारती बच्चा है, है जो हमारे साथ स्कूल में आखिरी बेंच पे बैठ के सबकी ठो किया करता था। तू नहीं बदलेगा चतुर्वेदी। अच्छा यार ये बात बताओ, माथुर तू 50 साल का हो गया? कमाल है भाई, लगता तो नहीं है। हम जानते लोग क्या कहते थे कि भाई हमारा दोस्त जो माथुर है ना वो 40 साल का है। लेकिन भाई कमाल है यार, क्या तुमने मेंटेन किया अपने शरीर को बिल्कुल हमारी तरह। थैंक यू चतुर्वेदी। यार एक बार बताओ, तुम सिर्फ हंसते रहोगे कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? अरे चतुर्वेदी ऐसा कैसे हो सकता है, पीछे मुड़ के तो देख सब बंदोबस्त है तेरे लिए, क्या तू एंजॉय कर पार्टी में, दूसरे मेहमानों को भी देख लो। अरे वाह। लीजिए डॉक्टर साहब ने खास पेड़े मंगवाए हैं, लीजिए ना। हाँ भाई दीजिए ना। वाह क्या टेस्टी पेड़े हैं भाई। आपने तो पेड़ा खा भी लिया, और डॉक्टर माथुर अपने डाइट के बारे में इतने स्ट्रिक्ट है कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। अरे क्या टो वाली बात कर रही हैं आप? हाँ अपने ही बर्थडे पार्टी पर कोई ऐसे करता है क्या? मतलब आप जैसी टो को भी उन्होंने मना कर दिया? हाँ। अरे तुम चिंता क्यों करती हो हमारे रहते हुए, मैं ना इन पेड़ों को उनको खिलाऊंगा, देखिएगा आप। हमारा बचपन का दोस्त है ना, वरना थोड़ी करेगा। छोड़िए हमें नहीं लगता आप खिला पाएंगे। देखिए हम टो वाली बात मत करिए, आप पेड़ा दीजिए, देखिए कैसे इसको खिलाते हैं, आप यहीं देखते रहिएगा। पक्का खिला पाएंगे? हाँ जी पेड़ा दीजिए, लीजिए लीजिए पेड़ा दीजिए आप, लीजिए ना। अब आप देखते रहिए कैसे खिला के आता हूं उसको। हाँ अरे यार माथुर भाई कमाल आदमी हो यार। हैं? अरे क्या हुआ? अरे भैया तुम्हारा बर्थडे है और तुमने अपना मुंह नहीं मीठा किया। अरे हमारे होते हुए ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं ना। अरे तो खिलाओ ना। ले लीजिए। तो भाइयों बर्थडे बॉय के लिए ताड़ियां हो जाए। Excuse me, ladies and gentlemen. It's time for Dr. Mathur's speech. Dr. Mathur, please come on stage. Tadiya! धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने आकर मेरे जीवन में खुशियां भर दी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। अरे लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, कहाँ ठो हो गई? यार ये 50 साल का आदमी 100 साल का हो गया, ये हुआ कैसे?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.